श्री श्री बाबा छोटू राम आश्रम मुकीमपुर में शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट व समस्त आंतिल चौबीसी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्त संकलन पीजीआई खानपुर की टीम द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाज सेवी एवं कांग्रेस पार्टी से पीसीसी डेलीगेट्स जसपाल अंतिल पहुंचे। जसपाल अंतिल का ट्रस्ट पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं में भारी जोश दिखाई दिया। इस दौरान जसपाल अंतिल ने उपस्थित संतों को नोटों की माला व रक्तदाताओं सहित आयोजकों को सर्टिफिकेट और गिफ्ट प्रदान किए। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जसपाल अंतिल ने रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल की सराहना की और टीम दीपेंद्र की तरफ से 5 लाख रुपये संस्था को प्रदान किए। अंत में जसपाल अंतिल ने जगत महान न्यूज़ से बात करते हुए रक्तदान को महादान बताया और कहा कि एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए रक्तदान करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव मकीमपुर में। यहां छोटू राम जी महाराज जी के आश्रम में जो है एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में जसपाल अंतिल पहुंचे हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी से पीसीसी डेलीगेट्स। आइए इनसे पूछते हैं कि रक्तदान की जरूरत क्यों पड़ती है और इतने भारी संख्या में यहाँ पर युवाओं ने आज रक्त दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तेजवीर जी, आप हमारी पावन धरती मुकीनपुर गांव, हमारा अपना विलेज है, हमारे 24 गांव आंतिल हो गए, इसमें से एक गांव मुकीनपुर है, तो ये हमारा ही विलेज है। यहाँ पहुँचे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप कल भी यहाँ आए और आज भी लगातार यहाँ पहुँचे, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। देखो जी, अब आई बात रक्तदान की। देखो जी, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, रक्तदान एक महादान है और इससे ऊपर कोई भी दान नहीं है। हमने खुद देखा है, काफी जिंदगियां बचाता है जी। और जो आज युवाओं में जोश देखा है, बल्कि टीम ने ही मना कर दिया, नहीं तो हमारे मुकीनपुर के युवा पूरे जोश में थे जी। जिस प्रकार से बताया जाता है कि रक्तदान से 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, एक व्यक्ति रक्तदान करता है 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, एक व्यक्ति रक्तदान करता है उसमें 3 लोगों की जिंदगी बचती है, ये हमने काफी बारीकी से काफी नजदीक से देखा है। खुद एक बार ऐसा वाक्य हुआ था, अपने ये धर्मवीर जी हैं, डॉक्टर पहल जी भी बैठे हैं, यहाँ कोई दिक्कत आई थी कभी, हम रात को 12 बजे दिल्ली पहुंचे थे सीधा, वहां पर हमने देखा जी, वहां पर एक जिंदगी बचाने का काम हुआ, हम 5-7 साथी गए। वाकई में ही रक्तदान एक नहीं जी, कई की जिंदगी बचाता है। महाराज जी तो तपस्या कर रहे हैं, वो तो 108 से 1008 तक पहुंच गए हैं कुछ ही दिनों में, मटके से वो सुबह सुबह स्नान करते हैं ठंडी में, तो लेकिन आप भी साथ में तपस्या कर रहे हैं। आज आपने भी 5 लाख रुपए सरकार ना होते हुए भी जो है गांव की पंचायत को दिए, इसके पीछे क्या? ये नहीं, ये हमने नहीं दिए जी, ये सब मतलब जो हमारे है ना, ये महाराज छोटू नाथ जी और महाराज कृष्ण नाथ जी की कृपा है और हमारी जो टीम दीपेंद्र है, ये लगातार हम कहीं ना कहीं सहयोग करते रहते हैं, सब यही इनकी कृपा है, इंसान कभी देने वाला नहीं होता जी। आज युवाओं को भी आपने जो है अपना ट्रैक सूट वगैरह दिए हैं और एक खेल के लिए आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई योजना है कि किसी को भी जरूरत है सामान की तो आप देते हैं? बिल्कुल तो भाई साहब, वो हमारे लिए योजना है, जो भी हर खेल के किसी भी सामान की, अगर हमारे गरीब जो भी लड़के हैं जो खेलने के इच्छुक हैं, जो सामान के कारण आगे नहीं जा पाते, उन गरीब बच्चों के लिए हमने 24 घंटे खुला रखा है जी, हम 24 घंटे सामान देने को तैयार हैं उनसे जी। ये निस्वार्थ भावना से किया जा रहा काम है जो कि इस मंदिर में किया जा रहा है, महाराज जी के द्वारा भी समाज में शांति रहे, अच्छा हो, इसलिए ये तपस्या की जा रही है, क्या कहेंगे? इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम, या चाहे बुजुर्गों की रेस का प्रोग्राम रहा है, चाहे आज ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रहा है, कल सांस्कृतिक हमारी जो हरियाणवी संस्कृति की कल रोगनी कंपटीशन भी है, कल भी हम यहाँ पहुंचेंगे और हम कहेंगे आप कल भी पहुंचो यहाँ पे जी जी, तो ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। तो दर्शकों, ये थे जसपाल अंतिल, प्रसिद्ध समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के पीसीसी डेलीगेट्स। आज ये यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रम में पहुंचे और इन्होंने यहाँ पे युवाओं को ट्रैक सूट दिए और प्रोत्साहित किया रक्तदाताओं को। आगे भी ये कह रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, देखते हैं आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहे और हम भी इसी तरीके से इनको कवर करते रहे। जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह, नमस्कार। जगत महान न्यूज के लिए मुकीमपुर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।